हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल सोकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार कंटिन्यूटी मीटर बनाना बताऊंगा, जिसे आप लोग भी बिल्कुल आसानी से घर पे बना सकते हैं, क्योंकि यार ये इमरजेंसी में आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है। और ये किस तरह से वर्किंग करता है, क्या इसका उपयोग है, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह की सिरिंज लेंगे जो कि 5 ml की है, और ये आपको 10 रुपये में 2 मिल जाएगी मेडिकल शॉप से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरह से इसके जो आगे का पार्ट है वो हमने हटा दिया है, और यहाँ पर लेंगे हम AAA सेल। और सेल की प्राइस अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से 5, 10, 15 रुपये की होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से हम ये जो पीछे का इसका पार्ट है इसको भी हम इस तरह से निकाल देंगे। तो यार फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं कंटिन्यूटी मीटर, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है। अब यहाँ पर इस तरह की स्पॉक्स लेंगे जो कि साइकिल रिपेयरिंग शॉप पे आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपको इस तरह की नई लेनी है। तो इनको हम फ्रेंड्स यहाँ पर लगाएंगे, ये जो छेद आप देख रहे हैं सिरिंज के आगे। तो इनको लगाने से पहले यहाँ पर सिरिंज के पीछे की तरफ जो भाग है इसको हम कट करके इस तरह से गोल कर लेंगे, ठीक है। और चलिए यहाँ पर अब हम जो स्पॉक्स है इनको 3-3 सेंटीमीटर के हिसाब से कट कर लेंगे प्लायर की मदद से, बिल्कुल आसानी से कट हो जाती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर रेती के द्वारा इनके मुँह को हम बिल्कुल आसानी से घिस लेंगे। अगर आपके पास रेती नहीं है तो आप पत्थर पे भी इनको बिल्कुल आसानी से घिस सकते हैं, और देख सकते हैं इस तरह से हम इनको कर लेंगे। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा बजर जो कि आपको 5 रुपये के आसपास मिल जाएगा, और एक लेंगे हम 5 ml की LED रेड जो कि 1 रुपये के आसपास एक मिल जाती है। तो यहाँ पर बजर की प्लस वाली लेग बड़ी और छोटी वाली लेग माइनस है, और इसी तरह से LED की भी प्लस वाली बड़ी और छोटी वाली माइनस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बजर और LED को आपस में कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप भी इस कंटिन्यूटी मीटर को बना के घर पर इसका अच्छे से उपयोग में ले सके, क्योंकि यार ये इमरजेंसी में आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक स्पोक के टुकड़े के आगे इस तरह से वायर जोड़ के बजर के पॉजिटिव वाले पार्ट पे कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक पतला वायर, और चाहे तो आप कॉपर वायर का टुकड़ा भी ले सकते हो इस तरह से पतला, चाहे तो कोई भी वायरिंग है उनके अंदर इस तरह से कॉपर के काफ़ी सारे वायर आपको मिल जाएंगे। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है बजर के नेगेटिव वाले पार्ट पे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सिरिंज वाले भाग में हम इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये इस तरह से फिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब स्पोक के टुकड़े को हम इस तरह से आगे की तरफ खींच लेंगे, और यहाँ पर जो वायर है उसके साथ हम एक सेल को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे उसके माइनस के साथ में, और यहाँ पर हम इसको गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से अंदर की तरफ डाल देंगे, ताकि जो वायर है वहीं की वहीं समट जाए। और आगे की तरफ स्पोक के टुकड़े को हम इस तरह से चिपका देंगे फेविक्विक के द्वारा, और सिरिंज के अंदर से ये जो दोनों पार्ट निकले थे इन दोनों के आगे वाले पार्ट को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये दोनों ढक्कन का काम करेंगे, वो किस तरह से वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पर लेंगे हम इस तरह का वायर, आप कोई भी कलर का ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये मैंने लगभग 2.25 फीट का लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर 1 मीटर 2 मीटर जितना चाहे उतना ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको कनेक्ट करेंगे सेल के पॉजिटिव वाले भाग पर। अब सेल को अंदर की तरफ इस तरह से धकेल के, और जो ढक्कन हमने तैयार किए थे वो यहाँ पर हम इस तरह से फिक्स कर देंगे, और वैसे ये सिरिंज में यहीं पे फिक्स होने वाली चीज़ थी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस तरह से छेद करेंगे ताकि जो बजर है इसकी आवाज़ बाहर निकल सके।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने दो छेद निकाले हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो यहाँ पर जो छोटा वाला छेद आप देख रहे हो, ये हमने क्यों निकाला है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो सबसे पहले जवाब देगा उसके कमेंट को मैं पिन करूँगा। वीडियो पब्लिश के 3 दिन बाद में भी अगर किसी का जवाब सही नहीं आया तो मैं अपना जवाब कमेंट करके पिन कर दूंगा। अब वायर के दूसरे मुँह को हम कनेक्ट करेंगे दूसरे वाले सेल के नेगेटिव पार्ट पर। अरे यार कहाँ बग गया है यार, तो मैं कहाँ था कि वायर के दूसरे वाले मुँह को हम सेल के नेगेटिव वाले पार्ट पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, और जो दूसरा स्पोक का टुकड़ा है उसके ऊपर हम इस तरह से वायर कनेक्ट कर लेंगे जैसा कि हमने पहले कनेक्ट किया था उसी प्रकार से। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि मैंने दोनों स्पोक के टुकड़ों को आगे से इस तरह से नुकीला कर लिया है जैसे एक मल्टीमीटर में होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको आगे की तरफ से डालेंगे तो यहाँ पर जो सोल्डरिंग हुई हुई है उसकी वजह से यहाँ पर ये अंदर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको बिल्कुल आसानी से सिरिंज के अंदर डाल के आगे की तरफ निकाल लेंगे। अब सेल का जो पॉजिटिव वाला भाग बचा हुआ है उसके ऊपर हम बिल्कुल आसानी से सोल्डरिंग कर देंगे, और इस तरह से हम वापस से सेल को घुमाते हुए सिरिंज के अंदर डाल देंगे ताकि वायर वहीं पर इकट्ठा हो जाए। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से। और यहाँ पर हम स्पोक को फेविक्विक के द्वारा आगे की तरफ से इस तरह से चिपका देंगे, और जो ढक्कन हमने कट किया था वो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से लगा देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो कंटिन्यूटी मीटर है वो बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको इसके द्वारा कुछ चीज़ें चेक करके बताता हूँ, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक डायोड लिया है और इसको मैं आगे पीछे से यानी बदल बदल के दोनों तरफ से चेक कर लिया हूँ, यानी पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ यहाँ पर ये शॉर्ट बता रहा है इस तरह से। तो इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि ये डायोड ख़राब है। अब यहाँ पर मैं एक सही डायोड लिया हूँ और देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक तरफ आपको बिल्कुल भी कंटिन्यूटी नहीं बताएगा और एक तरफ आपको कंटिन्यूटी बताएगा। ज़्यादा ही घूम गया यार। तो ये देखिए इस तरीके से देख सकते हैं, और यहाँ पर इस तरफ बिल्कुल भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये डायोड बिल्कुल सही है। तो चलिए अब मैं आपको एक और दूसरी चीज़ बताता हूँ। फ्रेंड्स हमारे घर में कई अप्लायंसेस ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिक कि उनके फ्यूज उड़ जाते हैं और हमें पता नहीं चल पाता कि यार इसका फ्यूज उड़ा है या नहीं उड़ा है। तो आप उस अप्लायंसेस के अंदर लगे लगे फ्यूज को चेक कर सकते हैं जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर किया है। ये देखिए जो पहला वाला फ्यूज था वो बिल्कुल ओके है, और ये वाला जो फ्यूज है ये बिल्कुल डेड है। आप देख सकते हैं जो कंटिन्यूटी बता रहा है ये वाला फ्यूज बिल्कुल ओके है, क्योंकि इसके अंदर एक वायर का टुकड़ा जुड़ा हुआ है और इसके अंदर वायर टूट गया है, बिल्कुल बारीक आता है, वो आपको दिखाई भी नहीं देगा ढंग से। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक और चीज़ लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक पावर कोड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये PC के अंदर लगने वाली पावर कोड है, और भी कई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में ये लग जाती है। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि यार आपका CPU नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में आप देखते हो कि यार आपके CPU की पावर कोड ख़राब हो गई है और आप उसे घर पे चेक नहीं कर पाते और लेके चल जाते हो कंप्यूटर शॉप पे, और जो जीनियन बंदा है वो आपको सही सही बता देगा कि आपकी केबल ख़राब है या फिर CPU में कोई प्रॉब्लम है। और कई लोग आपकी बिना केबल ढंग से चेक किए दूसरी केबल उठा के दे देंगे कि आपकी केबल ही ख़राब है, और आप घर पर ला के देखते हो तो आपका CPU फिर भी नहीं चल पाता। तो यार इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप घर पे ही ये केबल चेक कर सकते हो कि आपकी केबल सही है या ख़राब है। तो जैसा कि इस केबल के अंदर आप देख सकते हो प्लग के अंदर 3 पॉइंट बने हुए हैं और 2 के अंदर कंटिन्यूटी बतानी चाहिए, अर्थ का कोई वो इश्यू नहीं है। तो 2 पॉइंट जो न्यूट्रल और फेस है उनके अंदर अच्छे से कंटिन्यूटी बतानी चाहिए तो आपकी केबल बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यानी वो केबल सही थी, और यहाँ पर ये जो दूसरी केबल हम लिए हैं इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट में कंटिन्यूटी नहीं आ रही, और देख सकते हैं हमारा जो मीटर है वो बिल्कुल ओके है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम दूसरे वाले पॉइंट में चेक करते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही। वैसे तो ऑलरेडी मीटर बता चुका है कि हमारी केबल ख़राब है क्योंकि एक पॉइंट में कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पॉइंटों के अंदर ही कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसका मतलब हमारी ये केबल बिल्कुल ख़राब है, तो हम इसको फेंक सकते हैं।
और हमारी ये देखिए ये वाली जो केबल है ये ओके थी। और देख सकते हैं फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर एक चार्जर ले लिए हैं। तो यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि यार आपके चार्जर का फ्यूज उड़ गया है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे अप्लायंसेज हैं जिनके फ्यूज इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। और भी कंपोनेंट्स अगर आपको अच्छे से चेक करने आते हैं तो वो भी आप इस कंटिन्यूटी मीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल इस चार्जर का जो फ्यूज है वो बिल्कुल ओके है, और अगर ये ख़राब होता तो आप इस तरह से एक वायर का टुकड़ा यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि यार आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज का माइक्रो स्विच ख़राब हो गया है, तो यहाँ पर इसकी चार लेग होती है, तो एक तरफ इस तरह से कंटिन्यूटी बता रहा है तो आपका स्विच इसका मतलब बिल्कुल ओके है। इसी तरह से फ्रेंड्स आपने कई बार देखा होगा कि आपका जो मॉस्किटो किलर रैकेट है उसका जो प्रेस करने वाला बटन है वो ख़राब हो चुका है। आप प्रेस कर रहे हैं फिर भी वहाँ पर पावर नहीं आ रही है, करंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका माइक्रो स्विच ख़राब है। और अगर आपको सोल्डरिंग आती है तो आप बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इसका माइक्रो स्विच सही है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वाला जो रैकेट है हमने एक बार मॉडिफाइड किया था 3.7 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी लगा के, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर की थी, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं वो वीडियो। तो यार फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटिन्यूटी मीटर बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, और नोटिफिकेशन के आल पे क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।